हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस सब्जी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट वाला टेस्ट देते हुए बनाया है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। अगर आप बाजार की दही ले रहे हैं तो आप मीठी दही का यूज़ करें, नहीं तो घर पर जो आप नॉर्मल दही जमाते हैं उसका यूज़ करें। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। अब इसमें मैंने कुछ सब्जियां भी ऐड की हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस शिमला मिर्च और मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसके कि पेटल्स अलग कर लिए हैं, और शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से स्क्वायर फॉर्म में काट लिया है। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े ऐड करेंगे, तो मैंने पनीर को इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया है। आप चाहो तो इसे रेक्टेंगल फॉर्म में या फिर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो सारे पनीर्स को इसमें डाल देंगे। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गोलकी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। ये तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए और टेस्ट के लिए हम इसे डालते हैं। और साथ में हम यहाँ पनीर टिक्का मसाला बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे तंदूरी मसाला का यूज़ किया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप किचन किंग मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए आपको इन दोनों में से कोई एक मसाला का यूज़ करना होगा। तो हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास पनीर टिक्का मेयोनीज भी है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा पनीर में टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब स्वादानुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी में भी हम नमक ऐड करेंगे ही बाद में। अब इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स ना करें, हाथों से हल्के हल्के अच्छे से इसे मिक्स करें, ताकि पनीर भी टूटे ना, क्योंकि पनीर तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। सारे मसाले, दही और बेसन को अच्छे से हम पनीर और सब्जियों के साथ कोट कराएंगे। ध्यान रहे कि इसमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, और जहाँ तक हो दही आप गाढ़ी यूज़ करें, इससे जो आपका ये मिक्सचर बनेगा वो पतला भी नहीं होगा और काफ़ी मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे पनीर में। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। अब चलिए हम इनका पनीर टिक्का बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे। और 3 से 4 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे कुक करेंगे। ध्यान रहे कि हम इसे बार बार नहीं पलटेंगे, क्योंकि पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं दही बेसन में मिक्स होने के बाद, तो बार बार अगर आप इसे पलटिएगा तो ये टूट भी सकते हैं। तो आप सावधानी पूर्वक इसे पलटें और साथ में थोड़ी थोड़ी देर पे इसे पलट पलट कर अच्छे से कुक करें। तो हमें कुल इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है, ताकि इसमें अच्छा ब्राउनिश क्रिस्पी लेयर आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं आप कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, और जो प्याज शिमला मिर्च है वो भी हल्के हल्के ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाया है, इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। तेल को हम गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का तेज पत्ता, 1 से 2 दालचीनी का टुकड़ा, साथ में छोटी और बड़ी इलायची, इसे मैंने कूट लिया है, और 1/2 छोटी चम्मच खड़ा जीरा। साथ में एक हम सूखी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हम ब्लेंड करके इसमें नहीं डालेंगे, चॉप करके या तो फिर महीन महीन स्लाइस करके डालेंगे। इससे जो ग्रेवी बनती है ना, वो काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल के आता है प्याज का, बहुत अच्छा अरोमा निकलता है। जब भी हम इस तरीके की सब्ज़ी बनाएंगे तो ज़्यादा कोशिश करें आप कि प्याज को चॉप करके ही इसमें डालें। तो प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गोल्डन होने तक कुक करना है। तो 4 से 5 मिनट हो गए, प्याज देखिए हमारे हल्के हल्के गोल्डन हो गए हैं। तब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ टोमेटो। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप यहाँ पे टोमेटो की प्यूरी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब हम इसमें कुछ मसाले को ऐड करेंगे। सबसे पहले
आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ज़्यादा ऐड नहीं करना है हमें हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का भी पाउडर डाल देते हैं। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप लाल मिर्ची अवॉइड कर सकते हैं। इसके जगह पे आप एक बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इससे तो काफ़ी अच्छा ग्रेवी का कलर आता है और साथ ही टेस्ट जो है वो हल्का रेस्टोरेंट टाइप का बनता है कश्मीरी लाल मिर्ची को सब्ज़ी में डालने पर। अब थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे मसालों को 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। मैं जब भी आपको रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बताती हूँ तो ये टिप्स ज़रूर देती हूँ कि मसाले को आप अच्छे से भूनें, धीरे धीरे भूने, ताकि मसालों की जो खुशबू है पूरे सब्जी में अच्छे से आए। बस मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक मसालों को अच्छे से भूनेंगे। पाँच से छः मिनट हो गए हैं, देख सकते हैं कि मसालों में से तेल भी सेपरेट होने लगा है और काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, मसाले भून गए हैं। तो फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ में कसूरी मेथी। इन दोनों से सब्जी का टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे, तो मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे एक लीड से कवर कर देंगे और ग्रेवी को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी जो है वो अच्छे से बॉयल होने लगी है, तब हम इसमें सारे पनीर टिक्का को डाल देंगे जो हमने बना कर रखा हुआ है। इन सारे चीज़ों को डालने के बाद हम फिर से इसे लीड से ढक देंगे और ग्रेवी को थिक होने तक कुक करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेवी काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो गई और कलर तो काफ़ी अच्छा आया है सब्जी का, एकदम लग रहा है रेस्टोरेंट वाली सब्जी हमने बनाया है। इसका टेस्ट भी आपको एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बन गई है, तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, पनीर और ग्रेवी का कलर टेक्सचर काफ़ी रिच आया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे परफेक्ट रेस्टोरेंट वगैरह में हम पनीर टिक्का मसाला खाते हैं बिल्कुल वैसा ही ये लग रहा है। आप इसे रोटी, नान, पराठा या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला घर पे बनाना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।